वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2021 और 11 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 में आकांक्षी जिला गया के भी एक छात्र शामिल होंगे, बताएं कि यह कहां आयोजित होगी, यानी कि वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 का आयोजन कहां होगा। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और साथ ही साथ ये बताया था कि इसका जो आयोजन होगा ये दुबई में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है और जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। अब यहां पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी डिस्कस करूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहां पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में 5वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा भी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में 8 अक्टूबर 2021 को बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा पटना के ज्ञान भवन में 5वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है और यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि पटना के ज्ञान भवन में स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया गया। और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि पटना में 5वीं बार हो रहे इस मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है जिसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा। ये ध्यान रखें और साथ ही साथ ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पटना के ज्ञान भवन में ये मतलब कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका जो आयोजन किया गया बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया और इसका शुभारंभ 8 अक्टूबर 2021 को किया गया था। तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित बिहार के जिलों में कौन 18 वर्ष से ऊपर के सभी आवासित 100% आबादी को कोविड का प्रथम डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बना है। ये अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आया था और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्वी चंपारण इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वी चंपारण 18 वर्ष से ऊपर के सभी आवासित 100% आबादी को कोविड का प्रथम डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो भी आवासित आबादी है तो सभी को प्रथम डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बना है पूर्वी चंपारण। आप यहाँ पर बिहार वाले मैप में पूर्वी चंपारण की स्थिति को देख सकते हैं और साथ ही साथ ये है पश्चिमी चंपारण ये वाला। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट मैंने ऐड किया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कोरोना के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो ये वाला भी पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में पूर्वी चंपारण ऐसा जिला है जो कि प्रथम डोज देने वाला 100% प्रथम डोज को मतलब कि पूरा करने वाला ये भारत का बिहार का पहला जिला बना है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 से निम्न में से किस तिथि को आयोजित किया जाएगा। ये भी प्रश्न बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 से 15 दिसंबर 2021 के बीच। ये भी हाल ही में घोषणा किया गया कि इस दौरान मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं कि मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशन एंड सिस्टम दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है, ये ध्यान रखें। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अगले पॉइंट में लिखा कि इस वर्ष इस चौथे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन 12 से 15 दिसंबर के बीच कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में किया जाएगा। अब यहाँ से आप ये ध्यान रखिए ये चौथा संस्करण है, ये अगर हम बात करें मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का तो ये चौथा संस्करण है जो कि 12 से 15 दिसंबर 2021 के बीच कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया जाएगा। और इससे पहले अगर हम बात करें इससे पहले जो 3 बार आयोजित हुआ यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा, इससे पहले वर्ष 2018, 2019 और 2020 में मिथिला यानी कि उत्तरी बिहार के क्षेत्र में उत्तरी बिहार के भूमि पर लगातार 3 बार सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। ये मिथिला क्षेत्र में आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का ये चौथा संस्करण 2021 में आयोजित होगा 12 से 15 दिसंबर के बीच। अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम मित्र योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 टेक्सटाइल पार्क के निर्माण को भी हाल ही में मंजूरी दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं
कि हाल ही में 6 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पीएम मित्र योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि पीएम मित्र पार्क अगले 5 साल में 4,445 करोड़ रुपये की लागत के साथ स्थापित किए जाएंगे। और यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि हालांकि ऐसे पार्क को स्थापित करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में ही की गई थी। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें याद रखें, इस योजना के तहत इस पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसका मतलब कि आप ध्यान रखेंगे कि 7 पार्क का निर्माण होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस देश के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंजानिया के रहने वाले हैं। तंजानिया के उपन्यासकार हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इन्हीं को भी हाल ही में वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहां पर बता दूं कि साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हाल ही में तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। आप जो यहां पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है तंजानिया के इस उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरनाह। अब यहां पे मैंने आगे लिखा कि जबकि पिछले साल यानी कि वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवित्री लुईस ग्लुक को दिया गया था, तो दोनों यहां से आप याद रखें, पिछले वर्ष का भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों को यहाँ से ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट को ऐड कर दिया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष यानी कि 2021 में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार अमेरिका के डेविड जूलियस और लेबनान के अर्देम पटापा उटियन, ये दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। दोनों यहाँ से आप याद रखें, दोनों जानकारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न एक दो प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे ऑलरेडी मैं आपको बताता चलूंगा, और साथ ही साथ आप लोग इसका अलग से नोट जरूर तैयार कीजिएगा वहां पर आप, ताकि सारी चीजों को एक साथ वहां पर सम्मिलित तौर पर पढ़ सकें। इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल बनती है, 100% बनती है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस तरह से वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, प्लीज आप लोग को वीडियो को लाइक करना है। आप लोगों को अगर लगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला 6वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। आपको याद होगा इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैंने आपको बताया था कि 10% रखा गया है, लेकिन अभी ये घटा करके कर दिया गया 8.7%। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि ये जो आंकड़े हैं बदलते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए यानी कि 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि इसी रिपोर्ट में एक और पॉइंट कहा गया है, जबकि उसने अगले वित्त वर्ष के लिए यानी कि 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 10% किया है, ये आपको यहां से ध्यान रखना। 2021-22 के लिए 10% था, लेकिन इसे घटा करके 8.7% किया गया, और साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना 2022-23 के लिए बढ़ाकर 10% किया गया है। अब यहां पे कुछ और अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसका आकलन करती है, तो यहां पे मैंने तमाम चीजों को ऐड किया, एक एक करके सारे को हम लोग देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इसका जो अनुमान है ये 9.5%, वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार 9.5%, भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार 9.5%, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार 9.5%, और अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच, अभी हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे, तो इसका जो पहले जो अनुमान था ये 10% था, लेकिन इसमें चेंजेस किया गया और घटा कर दिया गया है 8.7%, तो ये यहां से आपको याद रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रेटिंग इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की, तो इसके अनुसार 9.6%, केयर रेटिंग्स के अनुसार 2%, मूडीज इन्वेस्टर्स के अनुसार 9.6%, और एशियाई विकास बैंक के अनुसार 10%। ये तमाम चीजों को यहां से आप याद रखिए, ये सारे के सारे अपडेटेड डाटा हैं, लेकिन यहां पर आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये बदलते रहते हैं, तो इसका वेरिफिकेशन आप लोग करते रहिएगा, लेकिन समय समय पर हालांकि मैं आपको भी बताते रहता हूं, तो इस चीज का यहां से ध्यान रखिए, इसका नोट जरूर तैयार कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। चलिए अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण जारी किया है। ये अभी हाल ही में इस गीत का नया संस्करण जारी किया गया रेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण जारी किया है, और यह गीत का नया संस्करण जो है, ये नया जो वर्जन है, ये 13 भाषाओं में जारी किया गया, तो ये वाला भी पॉइंट यहां से आप याद रखें। अब यह नया संस्करण रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने तैयार किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना आपको। और साथ ही साथ यहां पे मैंने एक और पॉइंट को ऐड किया, यह देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव और रेलवे की उपलब्धियों अब विकास और एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए मंत्रालय द्वारा यानी कि रेल मंत्रालय द्वारा की जा रही पहल का एक हिस्सा है,
ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। आपको मैंने बताया कि आजादी का जो मतलब 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम को मतलब लागू किया गया और ये वर्तमान समय में लागू हो भी रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो इसी के तहत अभी हाल ही में ये मतलब नया गीत का ये गीत का नया वर्जन जारी किया गया जो कि 13 भाषाओं में जारी किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस गीत के बारे में बता दूं कि प्रसिद्ध गायक भीमसेन जोशी द्वारा रचित यह गीत 15 अगस्त 1988 को रिलीज किया गया था और पहली बार आधिकारिक तौर पर इस गीत को गाया गया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न होगा, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंशु मलिक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय पहलवान अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप में 57 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बनी है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है अंशु मलिक। अब यहाँ पर आगे आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर 2021 को खेले गए विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और हार के बाद उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार वे इस विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अब यहाँ पे बात करें भारतीय महिला पहलवानों की विश्व चैंपियनशिप में, तो भारतीय महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में 4 मेडल जीता जिनमें के चारों के चारों कांस्य है। आप यहाँ पे अगले पॉइंट में से देख सकते हैं। इससे पहले 4 भारतीय महिला पहलवानों जिनमें की गीता फोगाट 2012 में, बबीता फोगाट 2012 में, पूजा डंडा 2018 में और साथ ही साथ विनेश फोगाट 2019 में कांस्य पदक जीता था। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पे ध्यान रखें। विश्व चैंपियनशिप में 4 पदक भारतीय के नाम है, मतलब इससे पहले अभी तो कुल मिलाकर 5 हो चुके हैं। महिला की अगर हम बात करें तो इससे पहले 4 थे जो कि चारों के चारों कांस्य थे, लेकिन अभी हाल ही में अंशु मलिक के इस पदक को जीतने के बाद अब जो पदकों की संख्या होगी विश्व चैंपियनशिप में पहलवानी में तो ये 5 हो गई। आपको ध्यान रखना जिनमें कि अभी हाल ही में अंशु मलिक ने ये रजत पदक अपने नाम किया है जो कि भारत के इतिहास में अगर हम बात करें तो पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक जीता है। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न, हाल ही में महात्मा गांधी पर लिखित पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा के लेखक निम्न में से कौन है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयतीर्थ राव इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये जो बुक है ये बुक का नाम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और आपको बता दो इस प्रश्न के बारे में कि हाल ही में महात्मा गांधी पर हाल ही में लिखित पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा के लेखक भारतीय उद्यमी जयतीर्थ राव है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और यहां पर इस पुस्तक के बारे में आपको बता दूं कि इस पुस्तक में महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन और उनके छिपे हुए व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र और पूंजीवाद पर विचारों की चर्चा की गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक को किस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया है, या क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया। अब जो यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं यही वो पुस्तक है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है जयतीर्थ राव की, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जयतीर्थ राव या फिर जेरी राव सॉफ्टवेयर कंपनी एम्फेसिस के संस्थापक और पूर्व सीईओ है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखें। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार अर्थात फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में असम के मत्स्य पालन पर्यावरण और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परमिल शुक्लवैद ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। ये आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे बता दूं कि इस ऐप को किसके मदद से डेवलप किया गया है। तो इस ऐप को राज्य के मत्स्य विभाग यानी कि असम के मत्स्य विभाग के सहयोग से एक्वा ब्लू ग्लोबल एक्वा कल्चर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, दोनों के सहयोग से इस ऐप को विकसित किया गया जिसका नाम है फिश वाले। आप यहाँ पर इसका लोगों को भी देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। तो आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष भी 8 अक्टूबर को ही ये दिवस मनाया गया है। आपको बता दूं कि भारत में प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तमाम चीजों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और भारतीय वायुसेना की पहली उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी गई थी। तो ये पहला पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखें, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और पहली 1 अप्रैल 1933 को भरी थी भारतीय वायुसेना ने। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि इस वर्ष 2021 में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है कि अभी हाल ही में 2021 में भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 89वां स्थापना दिवस मनाया है।
अब यहाँ पे हमने अगला पॉइंट लिखा है कि प्रारंभ में भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1950 के बाद जब भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया तब रॉयल शब्द को हटा दिया गया और वर्तमान में भारतीय वायुसेना इसका नाम है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 1950 में जब लोकतंत्र लागू हुआ मतलब जो संविधान लागू हुआ तो उसके बाद ये रॉयल शब्द को हटा दिया गया और वर्तमान में इसे भारतीय वायुसेना कहा जाता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस तिथि को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 अक्टूबर को भी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत जो हुई थी 2006 में की गई थी, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ कि यह दिवस, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले यह मई के दूसरे शनिवार और फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार में आयोजित होता है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि जो मई वाला जो मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में और साथ ही साथ मैंने उसका थीम भी बताया था। तो उसी थीम को यहाँ पर मैंने ऐड किया कि विश्व प्रवासी दिवस 2021 का जो थीम है यह सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, इसका 2021 का थीम है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है और यहाँ पर इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, बस यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है इस वर्ष 2021 में यह 9 अक्टूबर को मनाया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न बारे मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और बताया था इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कमेंट कीजिए और साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर हमें डिटेल में भी लिख सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो हमारा ऐप लॉन्च हुआ है तो आप लोग वहाँ पर ऑनलाइन जो क्विज होता है, ऑनलाइन जो टेस्ट होता है मॉक टेस्ट, जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, तो आप लोग वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है पिछले 1 वर्षों से वो तमाम चीज़ें अब ऐप पर शिफ्ट कर दी गई, आप लोग वहाँ पर जाइए मेंबरशिप लीजिए 1 वर्ष के लिए और सारा का सारा मटेरियल का लाभ उठाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। आप हमारे मटेरियल की क्वालिटी को देख के ही समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से हम आपको चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग भी इच्छुक है हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाकर के हमें मतलब हमारे लिंक से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।